भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन का दायरा साल 2001 में सिर्फ 14,000 हेक्टेयर था और करीब करीब 8,000 किसान परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अभियान चलाया, पानी बचाने का अभियान चलाया, माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया, टपक सिंचाई पर बल दिया और एक जमाने में सिर्फ 12-14 हजार हेक्टेयर, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। गुजरात के गांव में बैठे हुए किसानों की संवेदनशीलता के बिना ये संभव नहीं था। नए विज्ञान टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के गुजरात के किसानों के स्वभाव का परिणाम था कि हम इतना बड़ा सपना सिद्ध कर पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये गुजरात के हर खेत में बात पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले आईआईएम अहमदाबाद ने इस बारे में एक स्टडी की थी। मैं आपको और देश को इसके बारे में भी बताना चाहता साथियों, इस स्टडी से सामने आया कि माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के कारण ही गुजरात में 50% तक पानी की बचत हुई, 25% तक फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ, 40% तक मजदूरी का खर्चा, लेबर कॉस्ट कम हुई और बिजली की बचत हुई, वो तो अलग। इतना ही नहीं, एक तरफ बचत हुई तो दूसरी तरफ फसल की पैदावार में भी 30% तक की बढ़ोतरी पाई गई। साथ ही प्रति हेक्टेयर हर किसान परिवार की आय में लगभग 15,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई।